हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम मटर की चाट बनाएंगे। सबसे पहले हम मटर को धुल लेंगे, फिर उसे कुकर में बॉईल करेंगे। बॉईल जब अच्छी तरह से हो जाएगा तो हम उसे मसाले में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम गार्लिक और जिंजर का पेस्ट यूज़ करेंगे, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम इमली की चटनी, धनिया अमचूर पाउडर, धनिया, हल्दी पाउडर, जीरा, राई, लाल मिर्ची, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, फिर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम हल्की धीम आंच में सौते करेंगे, फिर जीरा डालेंगे, फिर राई डालेंगे थोड़ा सा, उसे भी हल्के आंच में हम सौते करेंगे। फिर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, उसे भी लो फ्लेम पे हम सौते करेंगे। फिर गरम मसाला ऐड करेंगे, उसे भी हम लो फ्लेम पे सौते करेंगे। कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। सारे मसाले हम लो फ्लेम पे ही सौते करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर भी हमने इसमें ऐड किया। अगर बच्चों आपके घर में छोटे छोटे हैं तो मिर्ची उनके हिसाब से ही डालिए। ये लाल चटनी है, इसे भी हम मसालों के साथ ऐड करेंगे। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसे भी हम हल्के आंच में ही सौते करेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट डालेंगे। सारे मसाले हम लो फ्लेम पे ही सौते करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और कढ़ाई में तेल छूट गया है। अब इसके बाद मटर ऐड करेंगे इस पर। अब मटर को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मटर अच्छी तरह से बॉईल है, पहले से ही पका हुआ है। इसमें हम बॉईल वाटर डालेंगे जिससे बहुत समय मटर ना ले और हमारा मटर जल्दी पक के रेडी हो जाए।